कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने मेरी छवि खराब करने की ठान ली है। इसके लिए उन्होंने सुपारी दे रखी है। देश के अंदर और बाहर लोगों से साठगांठ की गई है ताकि मोदी की छवि को धूमिल किया जा सके, लेकिन मेरे पास जनता का विश्वास है, उनका प्यार है। देश के गरीब, मध्यम वर्ग, आदिवासी, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग समेत हर भारतीय मोदी का कवच बना हुआ है। दरअसल ये बातें प्रधानमंत्री ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद अपने संबोधन में कही। इस मौके पर पीएम ने कहा कि हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोला भी है। उन्होंने अपना संकल्प घोषित कर रखा है कि हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे, लेकिन भारत के गरीब, मध्यम वर्ग, आदिवासी, दलित, पिछड़े समेत हर भारतीय मोदी का कवच आज बना हुआ है और इसीलिए ये लोग बौखला गए हैं। ये लोग नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं और पब्लिकली बोले भी है और उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है। क्या किया है उन्होंने? अपना संकल्प घोषित किया है हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर हैं और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। ये लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को धूमिल कर दें, लेकिन आज भारत के गरीब, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के आदिवासी, भारत के दलित, पिछड़े हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें तुष्टिकरण में इतनी व्यस्त रहीं कि उन्होंने देशवासियों के संतुष्टिकरण पर ध्यान ही नहीं दिया। वो लोग वोट बैंक की तुष्टिकरण में जुटे थे, हम देशवासियों के संतुष्टिकरण में लगे हैं। पहले की सरकारें एक ही परिवार को प्रथम परिवार मानती रहीं, उन्होंने गरीबों को हमेशा नजरअंदाज किया। पीएम ने चुटकी ली कि 1 अप्रैल को ट्रेन चलने की बात पर कांग्रेस अप्रैल फूल की बात कह सकती थी, लेकिन 1 अप्रैल को ही ट्रेन चल पड़ी है। पहले की सरकारें तुष्टिकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टिकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टिकरण में जुटे हुए थे, हम देशवासियों के संतुष्टिकरण में समर्पित है। पहले की सरकारों में एक और बात पर बड़ा जोर रहा, वो देश के एक ही परिवार को देश का प्रथम परिवार मानती रही, देश के गरीब परिवार, देश के मध्यम वर्गीय परिवार, उन्होंने अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। इन परिवारों की आशाएं, अपेक्षाएं, उन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं था। बहरहाल हाल ही में लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान के मद्देनजर प्रधानमंत्री का ये बयान अहम माना जा रहा है। फिलहाल इस बयान पर विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है, ये तो देखने वाली बात होगी। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।